हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं क्यूसेरा 1800 के फ्यूज़र यूनिट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि उसका हीट रोलर और प्रेशर रोलर जो है कैसे रिप्लेस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये साइड डोर ओपन करना है, जो कि बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये यहाँ पर ये फ्यूज़र यूनिट जो है दिखेगा आपको, ये बस तीन स्क्रू से निकल कर बाहर आ जाएगा। फर्स्ट स्क्रू जो है हम लोगों का यहाँ पर है, सेकंड स्क्रू हमारा ये है, थर्ड स्क्रू इसके अंदर है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। थर्ड स्क्रू आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा, बस यहाँ से आपको ये दो कनेक्टर निकालना है। आप इसको इजीली खींचेंगे बाहर तो ये निकल जाएगा। एक में आपको ये यहाँ पर लॉक दे रखा है, बस इस लॉक को प्रेस करके बाहर खींचना है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लॉक, इसको प्रेस करके बाहर करना है, ये यूनिट आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये फ्यूज़र यूनिट हम लोगों का बाहर निकल के आ गया है। ये जो ऊपर आपको गाइड दिख रही है, ड्यूप्लेक्स यूनिट की गाइड है, जो कि एक स्क्रू से ही बाहर आ जाएगी। और ये जो स्क्रू है, बस इस स्क्रू को आपको निकाल के ड्यूप्लेक्स गाइड को बाहर करना है, ये इजीली बाहर निकल जाएगा। ये एक स्क्रू, इससे ये बाहर आ गया है। इजीली आप इसको बाहर प्रेस करेंगे, ये बाहर निकल जाएगी। इस गाइड को भी आपको बाहर करने के लिए सिर्फ ऊपर करके बाहर प्रेस करना है, ये इजीली निकल जाएगी। इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ रहता है, जिसका अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये सेंसर है यहाँ पर, ये इसको बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं आप। थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना है कि ये टूट ना जाए, इसके कारण भी इसमें पेपर जाम होते हैं, बस इसी चीज़ का इसमें एक ध्यान रखना है। ये अपनी फ्यूज़र यूनिट है। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों को साइड के जो कवर है वो निकालना पड़ेंगे फ्यूज़र के, वो भी एक एक स्क्रू से बाहर आ जाएंगे। ये मैंने एक स्क्रू निकाला, ये आपका निकल के बाहर हो जाएगा। ये इजीली आपका निकल गया है, ये कवर आपका निकल गया। इसी प्रकार से बाकी आपको बस इसमें ये चार स्क्रू दे रखे हैं वो निकालना है। दो स्क्रू आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये एक स्क्रू यहाँ पर अंदर और एक स्क्रू ये, और एक स्क्रू आपको इसके अंदर दिखेगा यहाँ पर अंदर, और एक स्क्रू यहाँ पर आपको दिखेगा। बस इन चारों स्क्रू को आपको ओपन करना है। ये चार स्क्रू से हमारा पूरा फ्यूज़र यूनिट बाहर आ जाएगा। बस इस आपको जस्ट उठा के इसको बाहर करना है। हमारा प्रेशर यूनिट वाली जो यूनिट है वो नीचे रह जाएगी इसमें।
अगर आपको प्रेशर रोलर चेंज करना है तो बस इसको ऊपर उठाना है। बाजू में आपके बीयरिंग दे रखे हैं, इन बीयरिंग को निकालना है, इसमें ग्रीसिंग करना है और एज इट इज़ आपको प्रेशर रोलर चेंज कर देना है। आप इसको किसी भी साइड से किधर भी लगा सकते हैं, आप इसको इधर भी ऐसे ही लगा सकते हैं और इस साइड से इसको लगा सकते हैं, ये दोनों साइड से सेम ही है। अभी इस यूनिट को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ हमको जो है हीट रोलर इसमें रिप्लेस करना देखना है। तो हीट रोलर रिप्लेस करने के लिए हमको पीछे से थर्मोस्टेट जो है इनको भी, पीछे जो आपको ये यूनिट दिख रहा है इसमें सिर्फ ये जो वायर है इसको डिसकनेक्ट करना है और इधर आपको इस वायर को डिसकनेक्ट करना है। ये दो वायर आपके डिसकनेक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी फिर आपको इसके ऊपर ये जो गाइड दे रखी है इसको निकालना है। ये वाली गाइड भी इजीली निकल जाएगी, इसमें स्क्रू कहीं पर भी नहीं लगे हुए हैं, ये सिर्फ इसमें लॉक लगे हुए हैं, तो आप इसको अनलॉक करके इजीली निकाल सकते हैं। एक लॉक यहाँ पर इसका रहेगा, सेकंड लॉक इसका यहाँ पर है और एक लॉक यहाँ पर है इसका। ये इजीली जो है इसका बाहर निकल गया है, बस आपको इसको अलग रखना है। अब जो वायर हम लोगों ने निकाला था इसको इजीली आपको बाहर खींचना है। इधर से भी आपको वही वायर बाहर खींचना है। ये आपका वायर बाहर है। ये आपके जो पेपर पाथ के ये दिख रहे हैं आपको, पेपर पाथ के लिए लगे हुए हैं, तो आप जैसे इसको उठाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे। ये इसका लैंप है हीट रोलर का और ये आपका हीट रोलर है, बस इसी को इसमें रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि ये यहाँ पर ख़राब हो चुका है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये इसमें इस टाइप की कोटिंग रहती है कुछ इस प्रकार की, जैसे ये आपका ख़राब हो चुका है, मतलब ये घिस चुका है पूरा, ये पूरी इसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी तो ये घिस चुका है। गियर जो है आपको इस साइड में लगाना है जिसमें स्लॉट है, इसमें गियर में भी स्लॉट दे रखा है, बस आपको इसमें लगा के प्रेस करना है, ये इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगा। बस ये हीट रोलर आपको इसमें रिप्लेस करना है। ये बड़ा वाला जो आपको लॉक दिख रहा है ये गियर की साइड में आपको लगाना है। बस ये इसी प्रकार से इसको फिट करना है। हीट रोलर आपको इसके अंदर डालना है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जो पेपर पाथ की ये जो
यूनिट है, इसको ऐसे पीछे करना है। इसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं पीछे, वो आपको बाद में इसमें फिट करना पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये रिप्लेस होने के बाद बस आपको इसको एज इट इज फिट करना है। ये जो इसका कनेक्टर है ये इसको इसमें डाल के अंदर करना है। बस ये इसमें फिट हो चुका है। बस अब इनको आपको इसके अंदर आपको स्प्रिंग लगाना है। इसका स्प्रिंग लगाना भी बहुत ही इजी है। आपको पहले स्प्रिंग लेना है और इसके स्लॉट में ऐसे लगा के लटका के बस ये इजीली इसमें लग जाएगा। जी अब हम सेकंड लगाते हैं, इसी में इसको ऐसा आपको लटकाना है। ये पेपर पाथ हम लोगों के लग चुके हैं, बस अब हमको इसमें गाइड लगाना है। ये गाइड को रख के बस हमको प्रेस करना है। इसमें कट का एक नॉइज़ आएगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये गाइड लग चुका है। इस वायर को हमको अंदर निकालना है। लैंप को इसमें सेट कर देना है। बस इसको कनेक्ट करना है। ये हम लोगों का रेडी हो चुका है। इसमें मैंने हीट रोलर रिप्लेस नहीं किया है, बस कैसे करना है यही मैंने इसमें बताया है। अगर 1800 2200
2201 2020 2021 2022 2023 2024 में अगर आपको कुछ भी पेपर जाम से रिलेटेड इशू आ रहा है, कॉपी क्वालिटी से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस कुछ इस प्रकार से इसको फिट करके आपको ये चार स्क्रू लगाना है। पहले एक इधर लगाना है, फिर आपको एक क्रॉस में लगाना है, हमको साइड का एक कवर लगाना है। पहले हम इसकी एक गाइड लगा लेते हैं। ये इसको लगाने के लिए बस आपको ये साइड में इसको लगा के ऊपर करके अंदर प्रेस करना है, ये इजीली इसमें फिट हो जाएगी। ये इसका साइड कवर है, इसमें इसकी वायरिंग निकालना है। ये इजीली इसमें फिट हो जाएगा, एक स्क्रू से ये टाइट हो जाएगा। ये फिट हो। अब लगाते हैं हम अपनी ड्यूप्लेक्स गाइड। इसको लगाना बड़ा इजी है। इसमें आपको दो ये स्लॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, बस इसको यहाँ पर लगा के अंदर प्रेस करना है, जिससे ये इसके स्लॉट में यहाँ पर फिट हो जाएगी। स्क्रू रख के डायरेक्ट इसको आप टाइट करना। ये हो गई हमारी यूनिट रेडी। अब लगाते हैं इसको हम मशीन में। बस इसको लगाने के लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो आपको यहाँ पर कनेक्टर दिख रहे हैं, इसका इसकी जो साइड है वो इस साइड इसको आपको लगाना है। ये यहाँ पर आपको स्लॉट दिखेंगे, इस स्लॉट में रख के आपको बस फिट करके अंदर प्रेस करना है, ये इजीली अंदर फिट हो जाएगी। ये कनेक्टर है, बस ये कनेक्टर को लगा के आपको अंदर प्रेस करना है। ये सेकंड कनेक्टर है इसका, ये यहाँ पर ये फिट हो चुका है। स्क्रू से अब इसको हम टाइट करते हैं। ये एक स्क्रू हमारा यहाँ पर लगेगा, सेकंड स्क्रू हमारा यहाँ पर फिट होगा। ये लगा देते हैं इसमें हम कवर, लगा देते हैं इसमें एक और स्क्रू। बस ये फ्यूज़र यूनिट हम लोगों का इसमें फिट हो चुका है। मात्र 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने इसमें हीट रोलर जो है रिप्लेस कर लिया है। आप भी इस स्टेप को फॉलो करके इजी तरीके से फ्यूज़र यूनिट के हीट रोलर को आप रिप्लेस इसमें कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली अपडेट्स
आपके पास इजीली पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेज़र यूनिट कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।